नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत ज़रूरी। जो लोग खुश रहते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई समस्या ज़्यादा देर दखलंदाजी नहीं कर पाती। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको शत्रुनाश का एक बहुत ही सिंपल, सरल और सचोट उपाय बताने वाला हूँ, जिसके करने मात्र से अगर आपके 1000 भी शत्रु होंगे तो सारे शत्रु परास्त हो जाएंगे। कुछ तो आपकी शरणागति स्वीकार कर लेंगे, आपसे मित्रता कर लेंगे, और जो नहीं करेंगे और आपका अहित करने का सोचेंगे, ऐसे शत्रु निश्चय नाबूद हो जाएंगे, उनका सर्वनाश हो जाएगा। तो दोस्तों, ये क्रिया आप तभी करें जब आपको ये लगता है कि शत्रु आपको जान से मार सकता है या फिर आपका बहुत बड़ा अहित करने जा रहा है, कैसे भी नहीं मानता है, तो इस क्रिया का प्रयोग करें। या फिर शत्रु इतना बलवान है कि आप उसका सामना नहीं कर सकते, तो आप इस क्रिया का प्रयोग करें। ठीक है, आपको क्या करना है, ये उपाय आप किसी भी दिन इमरजेंसी कर सकते हैं, किसी भी समय। इसके लिए आपको दिन समय देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी खड़े हैं, आपको फूल वाली 2 लौंग ले लेनी है, और लौंग हाथ में लेके आपको लेफ्ट हैंड की हथेली पे रखना है इस तरह से। और आपके अगर आप शत्रु का नाम जानते हैं और एक ही शत्रु है, तो शत्रु का नाम आप 8 बार बोलें। कितनी बार? 8 बार। और अगर आप शत्रु का नाम भी नहीं जानते हैं, आपके 1 से ज़्यादा शत्रु हैं, तो फिर आप लौंग को सामने रख के 8 बार शत्रु शत्रु आपको बोलना है। और ये बोल के आपको एक फूंक मारनी है उस पर, लौंग पे। आपके अंदर के भाव ऐसे होने चाहिए कि आप शत्रु को ही मार रहे हैं, इस तरह की आपकी विचारधारा उस समय होनी चाहिए। और आप वो लौंग दक्षिण दिशा में फेंक दें। बस आप देखेंगे, या तो शत्रु आपका मित्र हो जाएगा, आपकी शरणागति स्वीकार कर लेगा, और अगर नहीं किया और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो शत्रु का सर्वनाश हो जाएगा, उसकी जान भी जा सकती है, बीमार हो जाएगा, तिल तिल के मरेगा। करते रहिए दोस्तों, इसको करने समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें। बस नमस्कार दोस्तों।